भागलपुर बिहार में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार के द्वारा काफी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की गई है और आगे भी नियुक्त करने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अभी भी कई स्कूल बदहाली के कगार पर है। वहीं घोराहा प्राथमिक विद्यालय को मात्र एक शिक्षक के हवाले छोड़ दिया गया है। जिले की घोराहा डी प्रखंड के घोराहा प्राथमिक विद्यालय में 2014 से ही एक ही शिक्षक नियुक्त है और 160 बच्चों को शिक्षित करने का जिम्मा अकेले ही एक शिक्षक उठा रहे हैं। वहीं भवन भी जर्जर की हालत में है, साथ ही एक कमरे बरामदे में कक्षा 1 से 5 तक की क्लास चल रही है। मैं 2014 से ही इस तरह जब से लिए प्रभार, उसी समय से भवन इसी तरह है। तो अभी इस विद्यालय में कितने कमरे हैं? विद्यालय में से 3 कमरे हैं। 3 कमरे में 2 कमरे जर्जर अवस्था में, एक जो आधा भी जर्जर, उसमें भी पढ़ा रहे हैं। एक ही वो भी जर्जर है। जर्जर है। एक बरंडा भी एकदम फर्श एकदम चूर हो गया है। ये रसोई घर? रसोई घर तो कोरोना के काल जो आंधी वही थी, कौन झंझावत, उसी में सब उड़ के खत्म हो गए। तो इसकी सूचना आपने लिखित दी है विभाग को? जी सर, जी दिए हैं, MDM प्रभारी को भी दिए हैं, एसी को, संतोष कुमार को। तो ये तो मजबूरी बस, तो बरामदे पे बच्चे को पढ़ा रहे हैं। और समय पर यही होता है कि सर, हम समय पर अप्लीकेशन स्कूल छोड़ के कहीं जाना नहीं पड़ता है। समय पर स्कूल आते हैं, समय पर जाते हैं, बस समय मेरा लॉस हो जाता है क्योंकि नहीं जा पाते हैं। नाम बताइए अपना। मेरा नाम राकेश कुमार है। पांचवा क्लास में। और कौन कौन क्लास का बच्चा साथ में पढ़ता है? चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा। पहला दूसरा। सर पढ़ाते हैं, कुछ समझ में आता है? हाँ। क्या सर जी?